अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। देखिए, जब आप मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप में ऊर्जा जागृत होने लगती है। जैसे जैसे जप बढ़ता रहता है, वैसे ही वैसे मंत्र जागृत भी होते रहते हैं, मंत्र में ऊर्जा आने लगती है। और जैसे कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जो संकल्प लेके जपे जाते हैं, जैसे कोई भी समय ले लिया, नवरात्रि काल हो गया या फिर ग्रहण काल हो गया, या दीपावली की रात हो गई, होली की रात हो गई, तो उसमें मंत्र सिद्ध भी हो जाते हैं। देखिए, सिद्धि का अर्थ ये नहीं है कि देवी देवता आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। कुछ सिद्धियाँ होती हैं, इत्र योनि की सिद्धियाँ होती हैं या तांत्रिक सिद्धियाँ होती हैं, जहाँ पे जो भी मंत्र से संबंधित देवी देवता भूत प्रेत जो भी होता है वो उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो बहुत उच्च कोटि की साधनाएँ होती हैं। हमारे आपके जैसे लोग जो इतनी उच्च कोटि की साधनाएँ नहीं कर पाते, उनके लिए चीज़ें संभव नहीं होती। लेकिन क्या है कि अगर हम जप करते हैं, हम मंत्र जप करते रहते हैं, तो उसमें भी एनर्जी आना शुरू हो जाती है, उसमें भी ऊर्जा आना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मंत्र जपते हैं तो वो बेकार हो जाता है। मंत्र जैसे ही आप मंत्र जपना शुरू करते हैं, वैसी एक एनर्जी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है, एक ऊर्जा जागृत होना शुरू हो जाती है, वो आपके चारों तरफ ऑरा में घूमती रहती है। मंत्र की चंटिंग जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे वो एनर्जी भी बढ़ती रहती है। बाद में जब आपका मंत्र जब खत्म हो जाता है, तो वो एनर्जी आपके जीवात्मा में समाहित हो जाती है, वो ऊर्जा आपके जीवात्मा में समाहित हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप जप करते हैं तो आसन पे बैठ के करिए, जमीन में बैठ के जप नहीं करना चाहिए। और जब भी आप जप करते हैं तो जप के तुरंत बाद उठना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि जप किया आप तुरंत उठ गए, क्योंकि जैसे आप उठ जाएंगे और भूमि में पैर रखेंगे, तो आपकी जो ऊर्जा जो एक्टिव अवस्था में होती है, वो एनर्जी आपकी ज़मीन में चली जाती है, भूमि में चली जाती है। इसलिए जब तक वो आपकी जीवात्मा में समाहित ना हो जाए, तब तक आपको नहीं उठना चाहिए। लगभग 10 से 15 मिनट या 5-10 मिनट, जितना भी आप बैठ सकते हैं, तब तक उसी मंत्र से संबंधित जो भी देवी देवता होते हैं उनका ध्यान करते रहना चाहिए, जिससे जो एनर्जी होती है उसी में ही समाहित होती है आपकी जीवात्मा में। अब मंत्र जब हम जब करते हैं तो कई तरह से करते हैं। कुछ लोग कई गिनती के रूप में कर लेते हैं, जैसे उन्होंने 10-11 बार मंत्र जप कर लिया, या कुछ इस तरह से माला से करते हैं तो एक माला किया, दो माला किया, कुछ ज़्यादा करते हैं तो 11 माला कर लिया, 21 माला कर लिया। तो मंत्र जप की संख्या जितनी ज़्यादा होती है, उतने ही तीव्रता से मंत्र जप सिद्ध होना शुरू हो जाता है, एक्टिव होना शुरू हो जाता है। अब मंत्र जप करते करते हमें पता कैसे चलेगा कि मंत्र सिद्ध होने लगा है? देखिए, जब भी मंत्र सिद्ध होने वाला होता है, तो उस क्या होने लगता है कि जैसे ही उस देवी देवता का आप नाम लेंगे, या जैसे ही उस मंत्र का स्मरण करेंगे, आपके रोम खड़े होना शुरू हो जाते हैं। आपको एक ऐसी अलग सी एनर्जी का एहसास होना शुरू हो जाता है, आभास होना शुरू हो जाता है। कभी कभी मंत्र से संबंधित देवी देवता आपको स्वप्न में आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी आप स्वप्न में भी वो मंत्र जपना शुरू कर देते हैं। स्वप्न में आपको लगेगा कि आप सच में जप रहे हैं, वो स्वप्न चल रहा होगा, तो ये संकेत होने लगता है। उसके बाद में क्या होता है कि जब भी आप कुछ भी कार्य कर रहे होते हैं, तो वो जो मंत्र होता है स्वतः ही आपके मन में चालू हो जाएगा, स्वतः ही। मतलब ऐसा नहीं कि आप सोच के उसको जपना शुरू कर रहे हैं, आपको जैसे कुछ कार्य करते करते कुछ गाना गुनगुनाते रहते, वैसे ही वो मंत्र अपने आप चालू हो जाएगा, अपने आप ही मतलब आपका जप शुरू हो जाएगा। आपने शुरू नहीं किया था, लेकिन बाद में आप ध्यान देंगे कि हाँ, आप मंत्र जप रहे हैं, तो ये होने लगता है। उसके बाद में क्या होगा कि आपकी कही हुई बातें, जो आप बातें कहते हैं किसी के लिए कुछ भी, तो वो बातें धीरे धीरे करके सत्यता होने लगेगी उन बातों में। किसी के लिए कुछ अगर आप कहने लगेंगे तो वो चीज़ें सही होने लगेंगी, गलत मायनों में नहीं। ऐसा नहीं कि किसी को आपने श्राप दे दिया वो भस्म हो गया, ऐसा नहीं, वैसी वाली बात नहीं। छोटी छोटी बातें जो आप किसी को कह दोगे, छोटा मोटा कोई गैस कर लोगे, वो सारी चीज़ें सही होने लगेंगी, क्योंकि आपका मंत्र जो है जागृत अवस्था में धीरे धीरे करके जा रहा है। तो वो ऊर्जा है, वो सारा जो कुछ भी होता है, वो सब ऊर्जा की वजह से ही होता है, जो ऊर्जा आप एक्टिवेट करते हो मंत्र जप के समय। ये मंत्र पे निर्भर करता है कि किस तरह के आप मंत्र जप रहे हो और उनकी कितनी ऊर्जा निकल रही है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो थोड़े से ही जप में ज़्यादा प्रभाव देने लगते हैं। जैसे जो भी मंत्र, जैसे गांव में जो प्रचलित मंत्र होते हैं, वो थोड़े से ही प्रभाव में
थोड़े से ही जप में ज़्यादा प्रभाव देने लगते हैं। और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, जैसे सात्विक मंत्र हो गए, उनके लिए बहुत जप करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जप करना पड़ता है, तब जाके उन मंत्रों में ऊर्जा आना शुरू होती है या एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे गांव में सावर मंत्र ज़्यादा चलते हैं, तो सावर मंत्र जो गांव की बोलचाल की भाषा में होते हैं वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, और उनमें ज़्यादा आपको वो भी करने अनुष्ठान ये सब चीज़ें करने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। उसमें केवल जप ही महत्वपूर्ण होता है, या जो भी नियम उनके होते हों उसके हिसाब से अगर जप करते हैं तो वो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, उनमें जल्दी ऊर्जा आना शुरू हो जाती है। अगर आप सात्विक मंत्रों पे जाएंगे तो सात्विक मंत्रों में थोड़ा सा ज़्यादा आपको समय देना पड़ता है, ज़्यादा जप करना पड़ता है, ज़्यादा तप करना पड़ता है, लेकिन जो सात्विक मंत्र होते हैं एक बार सिद्ध हो जाते हैं तो वो सिद्ध बने ही रहते हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।